हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक। लास्ट क्लास के अंदर हमने जर्नल बनाना सीखा और वो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से और बहुत अच्छा समझ आया। तो लेट्स स्टार्ट नाउ कैश बुक। कैश बुक आफ्टर जर्नल हम एंट्री करते हैं और लेजर से पहले मैं आपको ये कैश बुक समझा रही हूँ। कैश बुक नेम से ही पता चल रहा है कि रिलेटेड टू ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस इज इंक्लूडेड इन कैश बुक। सो ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू कैश बुक जो है वो सारी की सारी कैश बुक ट्रांजेक्शन्स को हम कैश बुक के अंदर डालेंगे। इट मे बी कैश और बैंक, क्लियर है। नेक्स्ट वन है ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स स्ट्रेट वे। जो भी कैश की ट्रांजेक्शन है वो हम सीधा कैश बुक के अंदर डालेंगे। लेजर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकॉर्ड्स। और ये कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन्स करने के बाद जो भी कैश का बैलेंस आएगा वो हम लेजर के अंदर पुट कर देते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट वन है इसको हम सब्सिडरी बुक्स, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सहायक, हेल्पफुल। तो यस, ये एक सब्सिडरी बुक है या हम इसको बोल देते हैं बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल मैंने आपको बोला था जर्नल, जर्नल में जो हम एंट्रीज करते हैं उनको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं, लेकिन जब बिजनेस की ट्रांजेक्शंस बहुत ज़्यादा होती है, या आप सीधा ये बोल दो कि जर्नल के बाद हम कैश बुक भी बना देते हैं, कैश बुक को हम सब्सिडरी बुक बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो लेजर्स के लिए हेल्पफुल होती है। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया ना कि ये सारे के सारे जो इसके कैश बुक के जो बेसिस पे जो रिकॉर्ड्स बनते हैं उनको हम आगे लेजर में एंटर कर देते हैं। अभी शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता हो कि पता नहीं लेजर क्या है, लेकिन जब हम कैश बुक कर लेंगे उसके बाद आपको हम लेजर ही मैंने समझाना है। तो अब ये बुक ऑफ प्राइमरी, प्राइमरी क्या होती है? पहली, क्योंकि बुक्स की बात हो रही है तो पहली जो एंट्री है वो बुक्स में करनी है, तो वो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री की बुक हम किसको बोलेंगे? कैश बुक को बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन उठा देते हैं कि मैम एंट्री तो हमने जर्नल में भी की थी, तो बच्चे वहाँ पे जर्नल था, यहाँ पे हम बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जर्नलाइजिंग कर रहे थे, बुक्स जो हैं लेजर्स की बात हो रही है, तो लेजर के अंदर सबसे पहले हम कैश बुक बनाते हैं, इसलिए हमने इसको बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री किया है। नेक्स्ट वन है कैश बुक दोबारा से एक लेजर भी मान सकते हैं। मैंने आपको अभी बोला ना कि लेजर्स बनाते हैं जर्नल के बाद डायरेक्ट, लेकिन लेजर का ही एक पार्ट है कैश बुक, या आप ये बोल सकते हो कि कैश बुक इज ए सब्सिडरी ऑफ लेजर। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कैश बुक भी एक लेजर ही है, मीन्स ये एक प्रिंसिपल बुक है, पॉपुलरली नॉन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। कैश बुक को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल कौन होता है? जो मेन होता है। तो कैश बुक अपने जो बेस है, आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि कोई भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए हमें कैश की ही नीड होती है। तो ऑब्वियसली है कि जो कैश है वो बेस है, प्रिंसिपल है, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि कैश होगा, उसी के बाद आपकी सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस या डीलिंग्स होगी, ठीक है। अब ये तो एक सिंपल सा कुछ आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि कैश बुक होता क्या है। अब कैश बुक के बाद हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। जो भी कैश की ट्रांजेक्शन करते हो आप, सिर्फ इसमें कैश और कैश से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल बैंक हो गया, तो उसकी हम हमेशा एंट्री क्रोनोलॉजिकल वे में, क्रोनोलॉजिकल मीन्स पॉइंट टाइम टू टाइम। अगर जो मान लीजिए 1 अगस्त को हुई है, जो एंट्री 1 अगस्त को हुई है, उसके बाद अगर 5 अगस्त को हुई है और उसके बाद 7 को हुई है, तो टाइम टू टाइम, ये नहीं है कि पहले 1 कर दो फिर 7 कर दो फिर 5 कर दो, हमेशा क्रोनोलॉजिकल टाइम के बेस पे, उसी के बेस पे आपने सारी एंट्रीज करनी है। नेक्स्ट वन है कि इट नेवर शोज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होगा तो इसका मतलब तो डेबिट के अंदर जब आप कैश की ट्रांजेक्शन करोगे, कैश की ट्रांजेक्शन करते हो, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक लेजर बनाना सिखाती हूँ, तो हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। आपके पास कोई
स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस होगा तब ही बात बनेगी ना। अगर आपके पास कोई बैलेंस ही नहीं है तो आप कहाँ से बिजनेस अपना कर सकते हो। इसलिए वो कह रहे हैं कि बैंक के पास इधर कभी क्रेडिट बैलेंस नेवर नहीं होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। ये कहाँ था? कैश बुक के अंदर था, लेकिन बैंक बैलेंस में हम क्या एंट्री कर देते हैं? क्रेडिट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि आपने बैंक से एडवांस में ले लिया है, ओवरड्राफ्ट ले लिया, इसलिए आप बैंक के अंदर क्रेडिट बैलेंस शो कर सकते हो, लेकिन कैश के अंदर आप कभी भी क्रेडिट बैलेंस को शो नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ। ये था नेक्स्ट वन है, इट सर्व्स बोथ फंक्शंस ऑफ जर्नल एंड लेजर। जर्नल की हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, लेजर का इन क्लासेस के बाद मैं आपको लेजर समझाऊंगी। तो ये अब इसके अंदर मैं आपको आगे जब एग्जांपल्स दूंगी तब आपको समझ आएगा कि हम जर्नल एंट्रीज भी कर रहे हैं और उस जर्नल एंट्री से किस तरह से लेजर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो ये जर्नल का काम भी कर रहा है कैश बुक, साथ के साथ लेजर का काम भी कर रहा है। अब कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक। जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसका अदर नेम होता है सिंपल कैश बुक। ठीक है, तो आज मैं आपको एक सिंगल कॉलम कैश बुक करवाऊंगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डबल और ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो एग्जाम्पल में लेंथी हो जाता है प्रोसेस, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जाती है। ठीक है, तो आज हम सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर मैं आपको स्क्रीनशॉट करके साथ के साथ एक एग्जांपल जो हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन आपको सामने दिख जाएगा बोर्ड पे। तो सिंगल कॉलम कैश बुक जो है वो जो सिंपल जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो करते हैं, जो कोई भी बैंक बैलेंस नहीं रखते हैं या कोई भी डिस्काउंट ऑफर्स नहीं रखते हैं, वो सिर्फ कैश के अंदर डीलिंग्स करते हैं, तो उसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ, फॉर्मेट क्या होता है इसका सिंगल कॉलम कैश बुक का। जैसे यहाँ पे आ जाएगी डेट, डेट, फिर यहां आ जाएगा पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, यहां पे है वाउचर नंबर, यहां पे है लेजर फोलियो और यहां पे है रुपीस। ठीक है, इसी तरह से सेम डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर और अमाउंट। ठीक है, डेट हो गई है, पर्टिकुलर्स है यहाँ पे और यहाँ पे वाउचर्स नंबर, यहाँ पे लेजर फोलियो और यहाँ पे जितने भी रुपीज है, ये होती है आपकी क्रेडिट साइड और ये होगी डेबिट साइड। ठीक है, तो इसको हम कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन्स करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है वो मोहन लाल का है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ मोहन। ठीक है, कैसे कैश बुक की ट्रांजेक्शन्स होगी वो हम इधर एंटर करेंगे। तो फर्स्ट था हमारा कि बैलेंस इन हैंड है 4000 का। मैंने आपको हमेशा बोला है कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की कैश का हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है, तो वो 4000 रुपीज हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे 1 दिसंबर को है, ईयर हम लिख देंगे यहाँ पे 2005 जो। नेक्स्ट वन है थर्ड दिसंबर को ट्रांजेक्शन हुई है कि परचेज की है गुड्स कैश के अंदर, बच्चे गुड्स परचेज की है कैश में, तो अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स आप देखिए। एक बात और, जब भी परचेज सेल होती है तो आपने इसको परचेज या सेल के अंदर ही एंट्री करनी है, आपने ये नहीं कहना कि मेरा स्टॉक कम हुआ है तो मैं स्टॉक को कम करूंगा। ठीक है, तो 3 दिसंबर की एंट्री हो जाएगी परचेज किया गुड्स कैश में। जब कैश में परचेज करेंगे तो हमारी कैश कम हो जाएगी और परचेज
हमारा स्टॉक बढ़ गया है, तो आपने यहाँ पे स्टॉक अकाउंट डेबिट नहीं लिखना, जब परचेज सेल पॉइंट आ जाता है तो आपने परचेज सेल ही लिखना है। तो यहाँ पे एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैश कम हुआ क्योंकि कैश में परचेज किया है, टू कैश अकाउंट विद इन रुपीज 400। तो यहाँ पे हमने 400 से एंट्री कर दी। नेक्स्ट वन है पेड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या है? एक्सपेंस है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। इससे ये नहीं बोला कि कैश में किया, तो हम कंसीडर करते हैं, हम एज्यूम मान के चलते हैं कि ये हमने कैश में ही एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस पे किए हैं। जब आप एक्सपेंस पे कर रहे हो तो आपका क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। तो आप एंट्री कर दोगे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद इन रुपीज 60। नेक्स्ट वन है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। और कैपिटल वो लेके आया है, तो और कैपिटल लेके आया है तो हमारा कैश बढ़ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू, सेकंड क्या इफेक्ट हुआ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट विद इन रुपीज 1500। ओके गॉट इट। नेक्स्ट वन है बॉट फर्नीचर। फर्नीचर हमने खरीदा है, जब फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर तो क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन फर्नीचर कैश में खरीदा है इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर तो आ गया बिजनेस में लेकिन कैश क्या हो गया, कम हो गया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद इन रुपीज 600। नेक्स्ट वन है स्पेंड फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए स्पेंड किए बच्चे, प्राइवेट यूज को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में ड्राइंग मान के चलते हैं। जब आपने ड्राइंग की है तो एक्सपेंस हो गया है नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देते हैं, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसिस। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, विद इन रुपीज 800। यस 800। नेक्स्ट वन है रिसीव हुआ रेंट फ्रॉम ए। अब ध्यान से समझिएगा, रेंट रिसीव हुआ ए से, तो रिसीविंग हुआ हमें तो फायदा हुआ है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो रेंट को तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब रेंट को तो क्रेडिट कर गया, लेकिन किससे रिसीव हुआ, ए से रिसीव हुआ है, किस फॉर्म में रिसीव हुआ, कैश फॉर्म में। बच्चे क्या करते हैं, मैम ए अकाउंट डेबिट टू रेंट, बट ए अकाउंट आप क्यों कर रहे हो, ए तो गीवर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गीवर, ए ने तो दिया है तो आप तो टू ए कर दोगे, बट हमें अब ए से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें रेंट रिसीव हुआ है। हम अपने बिजनेस के पॉइंट से सोचते हैं कि रेंट की फॉर्म में हुआ और कैश की फॉर्म में हुआ है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया और किस फॉर्म में आया, इनकम की फॉर्म में। तो इनकम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट हम ऑल क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स करेंगे, तो रेंट को हमने क्रेडिट कर दिया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट विद इन रुपीज 250। नेक्स्ट वन है रिसीव फ्रॉम बी ऑन अकाउंट। बी से कुछ रिसीव हुआ अकाउंट में, तो यहाँ पे हमारे पास हुआ गया कैश, कैश के अमाउंट में रिसीव हुआ है, बट यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि किस फॉर्म में किस लिए रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे क्रेडिट द गीवर वाला पॉइंट आ जाएगा, तो टू बी आ जाएगा, इसलिए हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट विद इन रुपीज 300, ठीक है। नेक्स्ट वन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड्स सेल की है, जब सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, विद इन रुपीज 700।
नेक्स्ट वन है पे टू क्रेडिटर्स, बच्चे क्रेडिटर्स को अमाउंट पे की है, तो जब कुछ पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को तो हमारा अकाउंट तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर कौन है, डेबिट हो गया है तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर यहाँ पे कौन है, क्रेडिटर, तो टू, और हमारा क्या हो गया, कैश कम हो गया, तो टू कैश अकाउंट विद इन रुपीज 1000। नेक्स्ट वन है पेड सैलरी, सैलरी पे की है, सैलरी किस फॉर्म में पे करेंगे हम, कैश की फॉर्म में, और सैलरी क्या है हमारा, एक्सपेंस है, तो सैलरी अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस को हम डेबिट कर देते हैं, तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू, और किस फॉर्म में सैलरी दी, कैश की फॉर्म में, तो टू कैश अकाउंट विद इन रुपीज 550। ठीक है, अब एक पॉइंट आया था कि जो कैश बुक है वो सर्व करता है एज ए जर्नल एज वेल एज लेजर, तो ये देखो जर्नल की सारी एंट्रीज हो गई है, तो ये पॉइंट प्रूव हो गया। अब हम लेजर के फॉर्म में डाल रहे हैं, तो अब देखिए जहां पे भी कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है हमने वो वाले पॉइंट्स उठाने हैं। फर्स्ट में क्या है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो इट मीन्स ये साइड क्रेडिट है, तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा। अब कैश क्रेडिट हो रहा है तो इसके रिवर्स लिखेंगे परचेज। ठीक है, ये ध्यान रखना, डेबिट में हमेशा टू आता है, क्रेडिट में हमेशा बाय से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जो भी डेट है 3rd December, यहाँ पे 2005 December, और साथ में 3rd लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट, मतलब अमाउंट तो कैश वाली डालेंगे लेकिन उसके रिवर्स जो हुआ है वो डालेंगे हम 400 रुपीज से। ठीक है, कैश के रिवर्स में क्या है, परचेज लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे करेंगे बाय परचेज अकाउंट, लेकिन अमाउंट जो है वो कैश वाली डालेगी, तो ये देखिए कैश वाली डाल दी है। नेक्स्ट वन है कैश क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट विद इन रुपीज 60। फिर कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड ये है, तो इधर हम लिख देंगे इसके रिवर्स में क्या है, कैपिटल, तो यहाँ पे लिख दीजिए टू कैपिटल अकाउंट विद इन रुपीज 1500। फिर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड दिस वन इज क्रेडिट, तो बाय फर्नीचर अकाउंट लिख देंगे हम यहाँ पे, बाय फर्नीचर अकाउंट विद इन रुपीज 600। नेक्स्ट वन कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो इसके रिवर्स में क्या है, ड्रॉइंग है, तो हम लिख देंगे बाय ड्रॉइंग अकाउंट विद इन रुपीज 800। कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट दिस वन इज डेबिट, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू रेंट अकाउंट, तो ये हो गया है रेंट अकाउंट विद इन रुपीज 250। नेक्स्ट वन कैश अकाउंट फिर डेबिट हो रहा है, डेबिट के अपोजिट में है क्या है, टू बीज अकाउंट, तो इधर लिख देंगे हम टू बीज अकाउंट विद इन रुपीज 300। नेक्स्ट वन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे भी टू सेल्स अकाउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 700। अब आप इसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का ऐड कर लोगे। ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा लास्ट में, हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्यों, क्योंकि जब कुछ कैश होगा तब ही हम उससे रिलेटेड डीलिंग्स कर पाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे हमने ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन मीन्स लास्ट ईयर से हम इस साल लेके आए हैं, ब्रॉट किया, लाया है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्रेडिट बैलेंस बना है, क्रेडिट डाउन हुआ है, कितना अमाउंट हुआ होगा, 3340। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ये दिसंबर का बैलेंस था हमारा, अब 2006 आ जाएगा क्योंकि 5 था, और 1 January को हम ये वाला जो बैलेंस कैरिड डाउन था इसको नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी टू बैलेंस। बट उससे पहले आप इसका एडिशन कर दीजिएगा, एडिशन में आ जाएगा हमारा 6750, 6750,
बच्चे क्या करते हैं, 6750 का ब्रॉड डाउन कर देते हैं। ब्रॉड डाउन सिर्फ जो कैरी डाउन की अमाउंट है उसका करना है, 3340 जो है उसको ब्रॉड डाउन करना है, तो वो ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस क्या हो जाएगा, 3340। आगे बात समझ, इस तरह से ये हो गया है कि दिस इज ए पार्ट ऑफ लेजर, ठीक है, ये सब्सिडरी बुक है लेजर की। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ जाता है तो आपको नेक्स्ट जो लेजर समझने हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज कैश बुक का सिंगल कॉलम कैश बुक समझ आया होगा। नेक्स्ट में हम डबल कॉलम जिसमें डिस्काउंट ऐड हो जाएगा, 3 कॉलम कैश बुक करेंगे जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट 3 कॉलम्स बन जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आ रही है कि मैम यूट्यूब पे जब हम वीडियो देखते हैं तो बहुत स्मॉल दिखते हैं, तो प्लीज़ आप उसको पोर्ट्रेट कर लीजिए, फ़ोन को पोर्ट्रेट करके और फिर वीडियो देखिए। और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम थोड़ा सा स्पीडली टीच कीजिए, तो बच्चे स्पीडली टीच करने के लिए मैं हर लेवल के स्टूडेंट को समझा रही हूँ, इट मे बी +1 +2 बैचलर मास्टर, तो मास्टर्स वालों के कुछ एक्सपीरियंस होते हैं तो उनको थोड़ा स्पीड में चाहिए। तो आपका इसका भी YouTube पे ऑप्शन है कि जो 3 डॉट्स होते हैं, आप जहाँ भी वीडियो पे जाओगे राइट साइड में 3 डॉट्स हैं, उस डॉट पे आप क्लिक करोगे तो आपको स्पीड का ऑप्शन आएगा। स्पीड में आपका 1.5 होता है, मे बी आप उसको 1.25 और इंक्रीज भी कर सकते हो, उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप उस स्पीड के बेस पे आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे आप वो स्पीड बढ़ा सकते हो। लेकिन मेरा नॉर्मल स्पीड रखने का एक ही रीजन है कि हर लेवल के स्टूडेंट को मैं टीच कर रही हूँ। +1 +2 में बच्चों को नए नए कॉन्सेप्ट होते हैं, इसलिए उनको जल्दी से समझ नहीं आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।